शादी के मंडप से दुल्हन घोड़ी लेकर हुई फरार और जा मिली अपने प्रेमी से। अरे यार, आप इसे तड़कता भड़कते कहते हैं? ये दुल्हन फरार हुई, लड़का पकड़ा गया, ये हर कोई दिखा रहा है। कुछ हटके लाइए, कुछ जो हमारी ऑडियंस को पसंद आए। आप समझते क्यों नहीं है, आजकल हमारी ऑडियंस कुछ अलग मांग रही है। जैसे जैसे मैं आपको क्या बताऊं, आप पत्रकार हैं और आप सब जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, हम फोन किए थे, हम पत्रकार हैं। फोन त्रिवेदी जी हैं? अच्छा हाँ हाँ, आइए आइए जी, आइए। बैठिए एक मिनट, सैनिटाइज कर लीजिए थोड़ा सा। बैठिए, हम आते हैं पानी लेके। जी तो आप पत्रकार हैं? जी। मतलब पत्र लिखते होंगे? जी नहीं, पत्रकार का मतलब होता है खबरों को ढूंढकर लोगों तक पहुंचाना। अरे वाह, बहुत खूब जी। वैसे काम मेहनत का होगा? नहीं जी, बिल्कुल। मतलब इतने लोगों तक खबर पहुंचाना? जी नहीं, मेरा मतलब है खबरों को ढूंढकर उसको छापना, ताकि लोग उन अखबारों को पढ़ सकें। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कहिए ना, वैसे हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, चंपक और चाचा चौधरी पढ़ते हैं बस अभी तक। अरे पत्रकार साहब। नमस्कार त्रिवेदी जी। जी बैठिए बैठिए, कब से वेट कर रहे हैं आपका भैया। कुछ पानी वगैरह लिया इन्होंने? जी जी बिल्कुल भाई। नहीं उस्ताद जी, भैया इनसे मिले आप? जी हाँ, ये हमारे चचेरे भाई हैं जी, बड़े होशियार हैं जी। वो तो देखे हम, दरअसल बात ऐसी है कि हमें कुछ बात कर। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? जी दरअसल आपसे कुछ कहना था भाई। नीलू कहाँ रह गए? आ गए भैया, आ गए। खैर छोड़िए, लीजिए चाय लीजिए। शुक्रिया भाई। नीलू बहुत समझदार हो गए हो। क्या हो गया आप भी? ठीक है, हम चलते। क्या कह रहे थे आप? ये देखिए, हमारे पास काम नहीं है, जरूरत में है, ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे हम आपका। अगर हो सके तो कोई लेख हमें दे दीजिए। हाँ काम नहीं है, माँ बीमार होगी, मरने की हालत होगी, ऐसा हमसे बहुत से पत्रकार कह चुके हैं, लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं कि कुछ अलग कहिए। जी जरूरत में,
लेकिन भीख मांगने नहीं आए थे आपके पास। माफ कीजिएगा, हमने आपका वक्त जाया किया। शुक्रिया। और हाँ, ना तो हमारी माँ बीमार है और ना ही वो मरने की हालत में। देखिए, अब हम और अपनी कहानी नहीं बिकने देंगे। कुछ मन के ख्यालात हैं जिनका कोई मोल नहीं है, चाहे तो हम आपसे साझा कर सकते हैं। जी जरूर। क्या आपको वेद पुराणों में रुचि है? जी, हमारे बाबा पढ़ा करते थे तो सुने हैं थोड़ा बहुत। हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि शंकर भगवान ने एक राक्षस को ऐसा वरदान दिया था कि वो जिसे चाहे उसे छूकर भस्म करते। वेद पुराणों में दिए काल चक्र के अनुसार हर घटना अपने आप को अलग अलग समय में दोहराती जरूर है। उन्हीं वेद पुराणों में दी गई ये कहानी, महादेव ने एक राक्षस को एक वरदान दिया, एक ऐसा वरदान कि वो जिसे चाहे उसे छूकर भस्म कर सकता है, और उसी राक्षस का नाम पड़ा भस्मासुर। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है आपका ये कोरोना वायरस। शामस्तनी मदहोश किए जा, तेरी याद कोई देखे, तेरी याद। राम जादी, सीना आराम कर रखा है तुम लोगों ने। हमने खानदान से लाई थी क्या बर्तन? इधरा बैठ नीचे। तेरी माँ ने दिए थे? से गिर गए थे। तेरा बाप ने दिए थे? अब नहीं गिरेंगे। या तेरे भाई ने दिए थे? कहाँ है तेरा बेटा? अरे कहाँ है वो मंगता? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बुलाओ उसे। दोनों माँ बेटों ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। चुप। ले फिर पकड़ लिया मैंने। चुप। ले फिर पकड़ लिया। छोड़। कहाँ है उस चांद सूरज? अरे बुलाओ उसे। उसको तो छोड़ दो। बुलाओ उसे। छोड़। छोड़ो बाबा, छोड़ो बाबा, छोड़ो बाबा, छोड़ दो बाबा, बाबा रहने दो बाबा, बाबा रहने दो। चल निकल यहां से। आजा, आज सो
नींद नहीं आ रही बेटा। चांद चांद क्या हो बेटा, नींद नहीं आ रही? अच्छा चल आज मैं तुझे कहानी सुनाऊं। कहानी? हाँ सुनाओ। आज एक भगवान और एक राक्षस की कहानी सुनाऊंगी तुझे। हैं? सुनाओ। एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। उसको भगवान ने वरदान दिया कि वो जिसको भी छुए वो उसे भस्म कर सकता है। हैं? तो भगवान ने अब उसे ये वरदान दिया। भस्मासुर ने सोचा कि अगर मैं भगवान को ही छू के भस्म कर दूं तो फिर तो मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो भगवान ने फिर क्या किया पता है? क्या किया? भगवान ने एक अप्सरा का रूप धारण किया और उसको जाकर रिझाया। अच्छा। तो राक्षस ने कहा मुझे आपसे शादी करनी है। तो भगवान ने पता है क्या किया? क्या? भगवान ने कहा कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरे आगे नाचना पड़ेगा। नाचना पड़ेगा। हाँ। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कई दिन तक उसको नचाया 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 और फिर एक दिन उसका हाथ अपने ही खुद के सिर पर लगवा दिया और भस्मासुर खत्म। भस्मासुर खत्म? भस्मासुर खत्म। वो सच्ची में मर गया था? तो भगवान ने उन्हें वरदान क्यों दिया? भगवान बिना खेलने क्यों नहीं चल रहा? अरे बस मन नहीं है। क्यों भाई? अच्छा एक बात बता। हाँ भाई बोलो। क्या कोई राक्षस किसी को भी मार सकता है? हाँ भाई मार सकता है। मतलब मैं किसी को भी मार सकता हूँ? हाँ भाई मार सकता है। अपने बाबा को भी? नहीं भाई ऐसा नहीं। ओ सुनो। अरे खाना लगा दो। आज मैंने आलू का पराठा बनाया। और कुछ नहीं बनाया क्या माँ? खाना? चेहरा दिखाऊं माँ? फिर से मारा ना बाबा ने? तू खाना खा। आप बाबा को मार क्यों नहीं देती हूँ माँ? क्या बोला हराम खोर? बाबा है वो तेरे, मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये होता है। खाना खा।
सिर्फ तूने और तेरी माँ ने। चैन नहीं मिलता तुमको? बोल ना किसकी औलाद है, बोल ना, अरे किसकी औलाद है तू? चांद, अरे बाबा तुम कुछ बोलते हो कि नहीं? नहीं मैम, ये कुछ नहीं बोलता। क्या हो गया है? आओ। तुम मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ। घर पे कौन कौन है? माँ। और बाबा? पता है मुझे तुम्हारे बाबा ने भेजा ताकि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तुम अच्छे इंसान बन सको जान, और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं, इसीलिए तुम मुझसे पढ़ो, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है चांद?
तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे, वो हमेशा तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं। ठीक है शान, बताओ। ठीक है, ओ चांद कैसे हो बे? चलाओ जरा, चलाओ। क्या सुबह होती नहीं तुम्हारा ये है बीड़ी चालू? अबे कुछ काम धंधा करो, हालत देखिए अपनी है कैसी बना रखी है। इधर दो इधर। मेहनत तो तुम करने वाले लगते नहीं हो देखो, पर कुछ काम ढूंढने जाओगे कुछ तो मिल ही जाएगा। हमको काम कौन देगा बे? क्यों नहीं देगा, तुम मेहनत करोगे काम मिलेगा। क्या काम मिलेगा? देखो एक बाबू भैया है, कहो तो बात कर लेंगे तुम्हारे लिए। काम क्या होगा? काम तो भैया ऐसा है कि हम तो कबाड़ का करते हैं। अच्छा, पर तुम्हें ले जाएंगे, मिलवा देंगे, बाबू बता देंगे तुम्हें, जो तुम्हारे लायक होगा दे देंगे तुम्हें भी। तुम कितना कमाते हो? हम 300 रुपये रोज का और 40 वाली भी रोज की। 300 रोज का? हाँ रोज का भैया। नहीं हमें कितना दे देंगे ये बताओ। देखो भैया ये तो बाबू ही बताएंगे, तुम चलने वाले बना तो हम बात करवा देंगे। और ये बताओ खाना पीना कैसे करते हो? पूरा दिन बस बीड़ी बीड़ी बीड़ी, पैसा तुम कमाते नहीं हो। कोई कुछ खाने को दे तो दे, नहीं तो ये तो है ही। तो बताओ फिर कब चलोगे? जब तुम कहो। हटना। अरे ऐसे तो हम तुम्हें लेके जा नहीं सकते, एक काम करते हैं शाम को चलते हैं, कपड़े वपड़े थोड़ा बदल के आना अच्छा बनकर, और ये बीड़ी मसूल गाना बाबू के आगे, हम भी थोड़ा सा बदल लेंगे। आ जाओगे? आएंगे। कोई टेंशन वेंशन मत लेना है, चलो तुम्हें काम दिलवा देंगे हम। चलो बाबाई, इको क्या करूं? इसे वहां पैक सामने। पर हाँ बे, उसे वहां रख, सामने रख उसको। बाबाई, बीड़ी दो ना। चप। ए भाई एक दे दो यार। अरे चप। हम तुमसे बात कर रहे हैं ना बाबू से, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रणाम बाबू। दोस्त है हमारा, बहुत ही अच्छा लड़का है, कुछ काम चाहिए था इसको, मतलब कुछ भी कैसा भी काम, मेहनती लड़का है कर लेगा। पहले कभी की हो गई काम? जी किए हैं। काम? काटते थे। नहीं हमारा मतलब है कि वो कसाई खाने में काम करते थे ना, मुर्गी बकरे मांस मच्छी का काम था, मेहनत का काम था। इस सामने सामान देख रहे हो? कहाँ? ये जो सामने पड़ा है तुम्हारे कबाड़। अबे कबाड़ नहीं बे, सामान। अच्छा, इसे रोज यहाँ से उठाना है, रिक्शे में लाद कर पीछे वाले मैदान में जाके फेंकना है। और हाँ ध्यान रहे, टूटना नहीं चाहिए बेटा,
ये तो बेटा तुमसे ही वसूल करेंगे हम। ठीक है बाबूजी, कल से आते हैं, फिर ये आ जाएगा। हाँ, प्रणाम। रात को अखबार, देश दुनिया की खबर भी है कुछ। साला हम भी किस बैल से पूछ रहे हैं, अपना ख्याल है नहीं जिन्हें। ये देखो बे, कोरोना नामक दैत्य का आगमन। और ये देखो, ये साला अखबार वाले भी इसकी तुलना किससे करते हैं। लिखा है एक राक्षस रूपी कोरोना ने लाखों को भस्म किया। काल चक्र सुने हो कभी? नहीं। देखो, काल चक्र के मायने, जो हुआ था वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। हाँ, फर्क बस इतना है कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, होगा वही जो हमेशा से होता रहा है, समझे? समझ तो रहे हैं। साला तुम आदमी तो नहीं आई थी, हम यहाँ तुम्हें देश दुनिया की खबर सुना रहे हैं और तुम यहाँ हमारा ज्ञान चक्षु फेरने में लगे हो। एक बात बताओ, राक्षसी सोच नाते कहाँ से? नहीं मतलब हमें तो नहीं आती। कल काम पर बुलाए हैं, समय से चले जाना। रुको बे, आ रहे हैं। 40 वाली रोज। अरे बेटे तरक्की पे हो रहे हो, चला रुको वहां पे। हैं आओ जल्दी आओ। हाँ रुको, आना। आ रहे हैं बे। मैं फील हो कौन सा तुम्हारा बाप देख रहा है यहाँ पे आके। बाबा तो देखेंगे भी कैसे, मर चुके। ताजुब की बात बताएं। बाबा को हमें मान। अच्छा बाप से याद आया। हाँ। कि बाप तो तुम्हारे हम ही हैं बे। कैसे? आज काम दिलवाए ना तुम्हें। काम तो दिलवाए। अरे एक और बात बताओ, तुमने बोला तुम अपने बाप को मारे, तो कब मारे, कैसे मारे और क्यों मारे? हमने सुना है कि दारू पीने से वो दैत्य मर जाता है। क्या क्या है वो? कोरोना। हाँ हाँ वही। इससे पहले वो दैत्य आए, हमें मारे, पी लो। देखो भाई, मरते तो हम नहीं, मरोगे तो तुम। रही बात बाबा की, उनकी कहानी आकर सुनाते हैं। नहीं वैसे बाप तो हमारे तो नहीं होते। नहीं हाय।
क्या कहे थे? वैसे बाप तो तुम्हारे हम, काम तो हम तुम्हें दें। काल चक्र। कभी भस्मासुर का किस्सा सुने? क्या था, एक बार महादेव ने एक राक्षस को एक वरदान दिया कि वो जिसे चाहे उसे छूकर भस्म कर सकता है। अखबार में क्या दिए थे, कोरोना की तुलना राक्षस से किए थे। तो एक बार उस राक्षस ने यह सोचा कि अगर मैं महादेव को ही भस्म कर दूं तब तो मुझसे ऊपर कोई नहीं। तुम्हारे भगवान ने ये देखकर एक औरत का रूप लिया और उसी राक्षस को उसी के दिए वरदान से भस्म करवाया। लेकिन अब तो ना कोई भगवान, हम ही हैं जो हैं। हम कहे थे हम नहीं मरेंगे, मरोगे तो तुम। भगवान ने फिर क्या किया पता है? क्या किया? भगवान ने एक अप्सरा का रूप धारण किया और उसको जाकर रिझाया। अच्छा। तो राक्षस ने कहा मुझे आपसे शादी करनी है। तो भगवान ने पता है क्या किया? क्या? भगवान ने कहा कि अगर आपको उनसे शादी करनी है तो आपको मेरे आगे नाचना पड़ेगा। नाचना पड़ेगा। हाँ। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कई दिन तक उसको नचाया 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 और फिर एक दिन उसका हाथ अपने ही खुद के सिर पे लगवा दिया। काल के चलते देश भर में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसके बावजूद इंसान ने खुद को कुदरत से ऊपर ही समझा था। लेकिन इंसान पहले भी कुदरत से कमजोर था, आज भी कुदरत से कमजोर है, शायद आगे भी कमजोर ही होगा। कमजोरी को छिपाने के लिए वो हमेशा अपने अतीत से भागता रहा और जब कभी उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हुआ तब तक उसने उस सच्चाई को दबाया। काल चक्र। जो हुआ था वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। हाँ, फर्क बस इतना है कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, होगा वही जो हमेशा से होता रहा है। लेकिन अब तो ना कोई भगवान, हम ही हैं जो हैं। हम कहे थे हम नहीं मरेंगे, मरोगे तो तुम। Thank you.
और शायद यही गलती चांद की भी रही। खुद को हमेशा कुदरत के ऊपर समझा। हम नहीं मरेंगे। लीजिए अब ये अमानत। अब आपका काम है लोगों तक पहुंचाना। सवाल ये नहीं कि कहानी सच्ची है या किसी मन का ख्याल। सवाल ये है कि आखिर कब तक इंसान कुदरत को चुनौती देता रहेगा। आखिर कब तक जाने अनजाने में वो अपनों की ही बलि देता रहेगा। कुछ ऐसे ही सवालों की कहानी है काल चक्र। खैर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग समय समय पे करते रहें।